जब hmm. हम बात करते हैं कि सीक्रेट कोड अगर आपने कोई शेयर किया हो मिलिट्री से रिलेटेड कहा जाता है कि जो साइफर डॉक्यूमेंट है जिसको मिसप्लेस कर दिया गया है उसके ऊपर एक कोड होता है वो सीक्रेट कोड होता है और अगर वो hmm. कोड किसी के भी हाथ लग जाए तो उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है प्रिवलेज इन्फॉर्मेशन है उस तक रसाई हो सकती है तो क्या hmm. ये उस जुमरे में नहीं आता क्योंकि लैंग्वेज है सीक्रेट ऑफिशियल कोड ये कोडेड डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं आते कोड जैसे होंगे जो आपके वेपन्स के या इस तरह की कोई ऐसी चीज देखिए मैं थोड़ा सा अगर टाइम है मुझे इजाजत दे तो मैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में थोड़ी सी जनरल बात क्या? कर लूँ और और क्या एक, एक, एक और, एक और एक भी इसमें सवाल बिल्कुल लेकिन क्या आप इसमें एक और सवाल भी ले सकती हैं ये जो खास तौर पे एलिगेशन लगाई जा रही है जो आज असद मजीद ने भी कहा के, आ, हमारे जो ताल्लुक हैं दूसरे ममालिक के साथ खासकर अमरीका के साथ वो बड़े मुतासर हुए तो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कहीं पर आ, इसको भी कवर किया जाता है या इसका भी जिक्र होता है यही मैं कहना चाह रही थी कि इसका जिक्र नहीं होता इसलिए ये जो एक्ट है अलीना इसको समझने की ज़रूरत हाँ। है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है इसका जो बाय इन लार्ज ये फॉरेन पावर से रिलेटेड है कि कोई पाकिस्तान में जासूसी कर रहा हो या किसी एक फॉरेन पावर के लिए काम कर रहा हो अक्सर जो इसकी प्रोविजंस हैं वो उससे रिलेटेड है ये जो सेक्शन फाइव है इसमें भी आप देखिए इसलिए सजा जो है चौदह साल उम्र के मौत की है और फिर दो साल से कम की क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें कवर करता है इसमें जो ख़ुद सोचिए यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जिसके पास खुफिया इंफॉर्मेशन है वो किसी हमारे दुश्मन मुल्क के कहने पे या उनको फायदा देने के लिए उसको इस्तेमाल करता है फिर आप सोच सकते हैं कि जो ज्यादा सजा है वो अट्रैक्ट होती है लेकिन अगर वो मिस्ट केयरलेसली इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होती कानून में क्लियरली लिखा है इन द इंटरेस्ट ऑफ अ फॉरन स्टेट ये नहीं लिखा डैमेजिंग आवर फॉरिन पॉलिसी या फॉरन रिलेशन ये नहीं लिखा ये ये डायरेक्टली किसी फॉरन बिल्कुल पावर नहीं, को नहीं। फायदा हुआ हो इनडायरेक्टली का कोई वो नहीं है नहीं अलीना क्योंकि देखिए ये क्रिमिनल ऑफेंसेस है इसमें आप इनडायरेक्टली जो है वो ना थोड़ा सा जो क्राइम है है वो मेरा ख्याल क्लियरली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना होता है आ, और क्योंकि सजाए मौत भी अट्रैक्ट हो सकती है हमारी अदालतें इसी तरह पड़ती हैं वो बहुत ब्रॉडली नहीं पड़ती इस तरह की प्रोविजन को बहुत भी नहीं से जी, जी आप कुछ कहना चाह रही है जी दूसरा जो कोड वाली बात है अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो ये जो साइफर है ये कोडेड लैंग्वेज है कोई ऑफिशियल कोड नहीं है हमारा जो मिलिट्री इंस्टोलेशन या इससे रिलेटेड हो ये पूरा सेक्शन है ये इस तरह की इसकी इसकी जबान है तो इसको इसी तरह पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है मेरा ख्याल है वो बहुत बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करता है कि इन प्रोविजंस को किस तरह पढ़ना चाहिए और इस केस में शवाहद नहीं है कि ऐसा हुआ है लेकिन जो दो साल या कम का केस है अगर आपके लिए वो बहुत बड़ा केस है तो शायद वो बन जाए